हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिया सैलून एंड एकेडमी। आज मैं आपके लिए एक लेकर आई हूँ प्यारा सा ब्राइडल लुक। तो आज की जो हमारी ब्राइडल हैं, इनका नेम है शिल्पा। तो इनके लिए हम क्रिएट कर रहे हैं जो लुक, उसमें हम आईज जो है थोड़ी सी बोल्ड रखेंगे एंड लिप्स मीडियम टोन में रखेंगे। ये हमारी क्लाइंट है। तो आज जो आपको मेकअप दिखाया जा रहा है पूरा हम एक ब्राइडल पे शॉप करेंगे। सो लास्ट टाइम की तरह मैंने आपको पूछा था और बताया था कि जिनको भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द सीटीएम। सीटीएम बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए, तो हमने इनका सीटीएम की है। सीटीएम के लिए आप कोई भी अच्छे ब्रांड का क्लिंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइज़र ले सकते हो। अगर आप रीजनेबल में जाना चाहते हो तो टोनर आप कैटरीना का ले लीजिए, मॉइस्चराइज़र आप सीटाफिल का ले लीजिए। एंड अगर आप क्लिंजिंग में जाना चाहते हो तो क्लिंजिंग में आप क्लिंजर सीटाफिल का भी ले सकते हो। एंड आप नेक्स्ट क्लिंजर जो ले सकते हो अरोमा मैजिक का भी, ये रीजनेबल रेंज वाले में जो आपको गाइड कर रही हूँ। तो अब नेक्स्ट हम इनकी स्किन को प्रेप करने के बाद, जब मैंने मॉइस्ट लगा के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो आज पहले हम स्टार्ट करेंगे आईज़ के साथ। आईज़ को करने के बाद हम फेस को कंप्लीट करेंगे। जो भी लोग हमारे सारे पूरे फुल फ्लैज कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7009027383। आईज पे अब मैं आई बेस दे रही हूँ, दैट इज़ अ कंसीलर। मैं टार्ट का यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड का जो आपके पास अवेलेबल है, आप वो कंसीलर आईज पे यूज़ कर सकते हो। दोनों तरफ आपको आईज पे कंसीलर लगाना है, उसके सेंटर लाइन को भी आप मर्ज कर सकते हो। जो हम आई बेस देते हैं उसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप कंसीलर के ऊपर, आई बेस के ऊपर मेकअप करते हो तो जो आपका आई मेकअप है वो बहुत एनहांस होकर दिखता है। सो अगर आप बिना आई बेस के मेकअप करोगे तो वो क्या होगा, आप जो भी शेडो लगाओगे ना तो वो अपनी जगह पे टिकेगा और ना ही उसका एक लुक निकल के आएगा। सो अब आपने क्या करना है, कंसीलर को ब्लेंड करना है। आई एम यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड इट। बहुत एक्सेस में ब्लेंड नहीं कर देना कि वहाँ से वो चीज़ गायब ही हो जाए। आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ शेडो, न्यूट्रल टोन टू डार्क टोन में जाएंगे। तो अभी मैंने हल्का सा बेजिश कलर का जो मैंने शेडो लिया है आई शेडो यूज़ करने के लिए। आपको कलर टोन्स पता होने चाहिए। शेडो पैलेट्स आप अपनी चॉइस का यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो हम क्या कर रहे हैं, बैक से लेके फ्रंट तक मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अगेन आई एम सेइंग, किसी की कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, मेकअप देखो कैसा आप मेकअप लुक देखना चाहते हैं, तो हम उस अकॉर्डिंग न्यू जो लुक है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगेन आई एम ब्लेंडिंग दैट कलर। तो जो फर्स्ट कलर है वो मैंने लाइट टोन का लिया है, उसको बैक से लेके क्रीज लाइन टू अपवर्ड थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ मैं बैक टू फ्रंट। इसके लिए जो ब्रश यूज कर रही हूँ दैट इज ऑफ PAC का ब्रश है ये। आईज में ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो ब्लेंडिंग करनी है बहुत अच्छे से करनी है। नेक्स्ट जो मैंने कलर उठाया है वो थोड़ा सा उसकी फैमिली का हल्का सा डार्क टोन लिया है, बेज फैमिली का ही। अगेन मैं उसको बैकवर्ड टू फ्रंट पे लाके ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग टाइम हमेशा ध्यान रखें, जो आपका ब्रश है वो फ्रंट से फ्लफी होना चाहिए, दैट इज अ ब्लेंडिंग ब्रश। तो ब्लेंडिंग ब्रश जब भी आप यूज़ करते हो या बाय करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आईज की ब्लेंडिंग के लिए कौन सा ब्रश ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मोस्टली आप रियल हेयर ब्रशेज यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि आई मेकअप इज, इन माई लैंग्वेज आई मेकअप इज टोटली ब्लेंडिंग, ऑल अबाउट ब्लेंडिंग। जितनी अच्छी आप ब्लेंडिंग करोगे उतना अच्छा आपका आई मेकअप निकल के आएगा। तो दोनों तरफ साइमल्टेनियसली चल रहा है, जितना हम इस तरफ ब्लेंड कर रहे हैं कलर शेड को। तो अभी मैंने उसी में ही थोड़ा सा ब्राउन फैमिली का कलर लिया है और उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। पैलेट्स आप अपनी चॉइस की उठा सकते हो। कलर कॉम्बिनेशंस मैंने जैसे आपको बताया, फर्स्ट हमने बेज उठाया है, सेकेंड हमने उसी फैमिली का थोड़ा सा डार्क लिया, देन आफ्टर दैट मैंने थोड़ा ब्राउन फैमिली को लेके उसके जो कॉर्नर्स हैं उनको थोड़ा सा एनहांस किया है। हम जो ये आई मेकअप है फुल स्मोकी टच में नहीं जा रहे हैं, थोड़ा मीडियम में ही जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कोई नीचे लाइनर या जेल लाइनर ऐसा कुछ नहीं प्लेस किया कि जिससे मुझे फुल बहुत शार्पन वाला स्मोकी लुक आए। मुझे बहुत शार्प स्मोकी लुक नहीं चाहिए, मीडियम स्मोकी चाहिए, तो वो हम शेडो से भी बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। हुँ?
अब मैंने लिया है पिगमेंट, आई शेडो का पिगमेंट लिया है। ये थोड़ा सा पिंकिश टच में है, थोड़ा स्मोक पिंकिश है ये। तो उसके साथ क्या है, क्या कि मैंने आई वॉल पे उसको अपनी फिंगर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। मुझे जो मेटेलिक कलर है वो फिंगर से ब्लेंड करने में बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो उसका एक्चुअल कलर एनहांस होकर निकलता है जब हम फिंगर से ब्लेंडिंग करते हैं, मुझे तभी लगता है कि वो एक अच्छा शेड निकल कर आया। तो मैंने वो जो आपको शेड बताया है थोड़ा सा पिंकिश अच्छे का कलर, तो उसको मैं लेकर ब्लेंड कर रही हूँ। तो आपने देखा होगा जो मेटेलिक कलर है वो फ्रंट पे ही यूज़ किया जा रहा है, फ्रंट से लेके मिड ऑफ द आई। तो इसको बट आपको अप्लाई तरीके से करना है कि ये थोड़ा ब्लेंडेड लगे, ऐसे ना लगे कि आपने एक पर्टिकुलर जगह पे उसको रख दिया है। अब देखिए आईज अगर हम थोड़ा सा अभी हाफ डन है स्टिल, अगर ब्राइट आईज ओपन करती है तो कितना ब्राइट। इनकी आउटफिट का जो कलर है वो थोड़ा पिंकिश में, तो एग्जैक्ट पिंक में जाने की जगह मैं थोड़ा सा स्मोक पिंक में जाना चाहती थी, तो मैंने वो थोड़ा स्मोकी पिंक उसके ऊपर मैंने हल्का सा पिगमेंट का टच दे रही हूँ। पिगमेंट देने से क्या होता है, जो आपका आई मेकअप है वो थोड़ा और एनहांस लगता है। जो आई हमारी ब्राइड हैं ये आज पात्रा से आई हैं, यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 2-3 घंटे का रास्ता है, काफ़ी दूर से ट्रेवल करके आए हैं ये। इनके नोन में काफ़ी लोग रेडी हुए थे हमसे, तो इन्होंने अपना ब्राइडल लुक हमारे पास प्लान किया है। आप कमेंट ज़रूर करें कि आप और कैसी लुक्स देखना चाहते हैं, तो आने वाली वीडियोस में हम ज़रूर वैसी लुक्स लेकर आएंगे। अभी कॉर्नर को थोड़ा सा मैंने एनहांस किया है स्मॉल साइज ब्रश के साथ। आगे जो मैंने कलर लिया वी कॉर्नर के लिए, फ्रंट वी कॉर्नर के लिए, वो मैंने थोड़ा सा लाइट मेटालिक शेड लिया। After that, I am using pencil liner. ये ब्लैक कलर की पेंसिल है जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ। Firstly, आपको पेंसिल के साथ एक लाइन क्रिएट कर लेनी है, देन उसको हम ब्लेंड करेंगे। हमारी जो एकेडमी है वो पटियाला में है, जो भी स्टूडेंट कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7009027383। रिपीटिंग अगेन 7009027383। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, तो जो हम आगे आने वाले आप जो हमें बूस्ट देते हो तो उसकी वजह से हम लोग और वीडियोज़ बनाएं, आपको लेटेस्ट नॉलेज दें। आने वाले टाइम में हम और लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग भी वीडियोस बनाएंगे जो आपको हमारे चैनल पे अब मिलेंगे। तो ज़रूर हमारे पेज को यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है दैट इज़ फ्रॉम amazia_salon_patiala एंड जो हमारा अकेडमी का पेज है दैट इज़ अमेजिया द स्कूल ऑफ ब्यूटी। तो हमारे इंस्टाग्राम पेजेस को ज़रूर फॉलो करें, जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं सबसे पहले हमारी इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आती हैं, तो आप उसके थ्रू हमारी वीडियोस पे आ सकते हैं। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग माई फेवरेट मस्कारा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं कौन सा मस्कारा मेरा काफ़ी फेवरेट है। अब इसके बाद हम आईब्रोज टर्न कर रहे हैं। आईब्रोज हमने नेचुरल रखनी है इसलिए पाउडर आईब्रोज करने हैं, बहुत सॉफ्ट सी लुक नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा एनहांस नहीं करेंगे कलर को। जो हमारा मेकअप कोर्स होता है हम उसमें पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक गाइड करते हैं आपको कि कलर आपको कैसे पिक करने हैं, कलर व्हील क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है आपको डीप नॉलेज मिलती है, सारी स्किन की प्रॉपर नॉलेज मिलती है, मेकअप की नॉलेज मिलती है, तो सारा कुछ उसमें कवर होता है। तो आप अगर हमारा फुल फ्लेज कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स कमिंग डेज में ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम नंबर मेंशन कर रहे हैं, आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम लिंक भी है, तो प्लीज़ उसको लिंक को ओपन करके एक बार ज़रूर हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें।
आजकल सॉफ्ट सटल लुक्स का काफ़ी आ गया है ट्रेंड, तो मतलब हम दोनों तरह के लुक्स आपके पास लेकर आएंगे, क्योंकि जो हमारे चैनल देख रहे हैं वो सिर्फ एक ही एरिया से नहीं, अलग अलग एरिया से हो सकते हैं, और हर एरिया में डिफरेंट मेकअप चलता है। कुछ एरियाज़ में कुछ डार्क मेकअप्स की डिमांड रहती है, कुछ एरियाज़ में कुछ लाइट मेकअप की डिमांड रहती है, तो इट्स टोटली कि आपको कैसा मेकअप सीखना है। हम दोनों तरह के मेकअप्स इस पर पोस्ट करेंगे। अभी हमने लाइनर को ब्लेंड कर दिया है। लाइनर को ब्लेंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ अबाउट लैशेज। तो मैं इनके आई लैशेज अप्लाई कर रही हूँ, जो ये लैशेज यूज़ की जा रही हैं, दीज लैशेज आर कर्व लैशेज। जब भी आप लैशेज लें तो ध्यान रखें कि वो कर्व वाली अगर आप लैशेज लेते हो तो उससे आई का लुक काफ़ी अच्छा उठ के आता है। हमारा ऊपर का आई मेकअप ऑलमोस्ट डन होने वाला है, तो उसके बाद हम मूव करेंगे फेस पे। आई मेकअप पहले करने का बेनिफिट ये होता है, जो भी आपने स्किन पे पहले प्रोडक्ट लगाए हैं वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे से स्किन में मर्ज हो जाएंगे और हमें टाइम मिल जाता है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब इनकी जो स्किन है उसको थोड़ा सा क्लीन करना है हमने। पहले एक बार मॉइस्चराइज़र चेक करनी है कि स्किन कितनी हाइड्रेट हो चुकी है, फिर हमने नेक्स्ट लेयर ऑफ मॉइस्चराइज़र दी है इस पर। मॉइस्चराइज़र जो अब हमने पहले वाला था वो थोड़ा सा मतलब आपको वीडियो में स्किप हो गया है, दैट इज़ फेस को एक बार हल्का क्लीन करने के बाद हमने नेक्स्ट लेयर ऑफ प्राइमर अप्लाई किया है। अब स्किन काफ़ी हाइड्रेट हो चुकी है, ऑरेंज कंसीलर जहाँ जहाँ डीकलरेशन है वहाँ पे हम वो अप्लाई कर रहे हैं। मोस्टली डीकलरेशन अंडर आइज पे ज़्यादा होती है और अराउंड द लिप्स एंड हमारे फोरहेड पे, तो वहाँ पे हम लोग ऑरेंज कंसीलर के साथ कंसीलिंग कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी स्टेप नहीं समझ आता, कोई भी चीज़ नहीं क्लियर होती तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, तो क्या होगा हम आपको जो कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं उसके आंसर्स करेंगे। और लेटेस्ट गर्मी आने वाली है, गर्मियों में आपका अगर कोई भी पर्टिकुलर चॉइस है मैम की कुछ इस रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहिए, तो अब नेक्स्ट स्टेप इज़ फाउंडेशन। फाउंडेशन हम स्किन टोन से माइनर सा मैंने फेयर लिया है, तो उससे क्या है हम पूरी स्किन पर एक बार फाउंडेशन की लेयर दे रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं देंगे, जस्ट फाउंडेशन एंड हल्का सा इसको हाईलाइट करेंगे। फाउंडेशन हम फ्लैट ब्रश से लगा रहे हैं। जब पूरी स्किन फाउंडेशन लगाने के बाद इसकी ब्लेंडिंग की जाएगी। गर्मियों में आप हमेशा ध्यान रखें मेकअप के लिए, क्योंकि गर्मियों में सबसे ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो मेकअप करते टाइम आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं, जिसको भी समर्स में किसी भी टाइप के मेकअप की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, तो कमिंग वीडियोज़ हम उसके रिगार्डिंग भी बना सकते हैं। प्लस अगर आप चाहोगे तो अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है हम उस पर भी न्यू वीडियो बना सकते हैं। तो अभी फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना है आपको। अभी हमने नेक बेस नहीं किया, नेक बेस हम थोड़ा सा लेटर ऑन करेंगे फेस के बाद। आइस के नीचे ब्लेंडिंग के टाइम आप ध्यान रखें, आइस को हमेशा क्लाइंट को बोले मैम अपवर्ड देखिए, वो जितना मैक्सिमम अच्छे से अपवर्ड देखेंगे उतना ही हम अंडर आई पे अपनी सफाई दिखा सकते हैं, उतना ही क्लीन वर्क हम अंडर आइस पे कर सकते हैं। अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड करना है, कहीं भी आपका फाउंडेशन
मतलब रह ना जाए उसकी लेयर, वो ब्लेंडेड होनी चाहिए जो भी लेयरिंग है उसकी। जो फाउंडेशन ब्लेंडिंग है इसमें आप प्रॉपर पूरा टाइम दीजिए, उसमें आप ज़्यादा जल्दी मत कीजिए, ब्लेंड अच्छे से हो जाएगा फिर ही आप नेक्स्ट स्टेप पर मत कीजिए। हमारी मॉडल थोड़ा फेस ऐसे ऐसे कर रही है आज, क्लाइंट फेस फ्रंट नहीं रख रहे। आप आईज देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। और जो मैंने आईज पे मेकअप आपको बताया बिल्कुल इजी स्टेप्स वाला बताया, कुछ भी हमने इसमें डिफिकल्ट वाला आज कोई टास्क नहीं बताया कि आपको कुछ ऐसे करना है ऐसे करना है, ऐसा कुछ नहीं। हमने बिल्कुल ईजीएस्ट वे टू डू आई मेकअप किया है, बट आई मेकअप आप देखिए कितना एनहांस्ड होके आ रहा है उनके। फाउंडेशन के बाद जो हाइलाइटिंग एरिया थे वहाँ पे कंसीलर के साथ हाइलाइटिंग करके अगेन उसको आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। देखो ब्लेंडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेकअप, तो ब्लेंडिंग आपको अच्छे से करनी है हमेशा। आज हम ज़्यादा लिक्विड्स में नहीं, फाउंडेशन एंड हाइलाइटिंग हम लिक्विड रखेंगे, बाकी चीज़ें हम पाउडर यूज़ करेंगे। लाइक ब्लशर हम पाउडर फॉर्म में जाएंगे, कंटूर हम पाउडर फॉर्म में जाएंगे, वो सारी चीज़ें हम थोड़ा पाउडर लुक में यूज़ करेंगे। मैं लिक्विड मेकअप मोस्टली वहाँ पे यूज़ करती हूँ जब किसी की स्किन पे उस चीज़ की डबल रिक्वायरमेंट हो, लाइक ब्लशर किसी को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लशर लुक चाहिए, पिंकी पिंकी चाहिए उस केस में, और या फिर बहुत ज़्यादा हैवी चीक्स हैं उन सब चीज़ों में, उनमें मैं लिक्विड थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अदरवाइज ऑलवेज ट्राई कि हम जो फेस हैं न्यूट्रल स्किन के अकॉर्डिंग चले, तो पाउडर वाले मुझे रिजल्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं तो मैं वो यूज़ करती हूँ। अभी थोड़ा सा साथ साथ हम नेक को भी कवर करते जा रहे हैं। अंडर आइज पे क्रीजिंग नहीं आने दे रही आपने, जब तक आप पाउडर नहीं लगाते तो अगर आप दो एक दो मिनट के लिए छोड़ते भी हो तो अंडर आइज पे क्रीजिंग आ जाती है। बट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपने पाउडर लगाने वाला स्टेप आए या कुछ टाइम बाद, उसको बस ध्यान रखें कि उसको ब्लेंड कर लें, पाउडर लगाने से पहले उसको ज़रूर ब्लेंड करके लगाएं। मैं तो इनकी फेस सेटिंग ही करवाती रह गई आज। ऐसी ब्राइड हैं, थक जाते हैं, इनके घर इतने फंक्शंस होते हैं तो ब्राइड को होता है जहाँ मुझे रेस्ट करने को मिल जाए बस मैं सो जाऊँ, बट हाँ हम इनको रिलैक्स करा देंगे अभी थोड़ी देर में हमारा ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद। नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो डालेंगे हम अनकट वीडियो लाइव वाली भी ट्राई करेंगे कि हम अपने पेज पे डालें। अब हमने अंडर आई पैक करनी शुरू की है विद द लूज पाउडर, विद द हेल्प ऑफ लूज पाउडर। लूज पाउडर आप हमेशा अच्छे ब्रांड्स का यूज़ करें। अंडर आई पैक करने के बाद बाकी फेस पे हम थोड़ा थोड़ा सा पाउडर देंगे, बट जो अंडर आई है वहाँ पे हम क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करेंगे। बाकी फेस पे हम हल्का हल्का यूज करते हैं, अंडर आईज पे हम थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको जो मेकअप चल रहा है वो लुक कैसी लग रही है, और अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं क्लियर हुआ तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो भी आप हमारा मेकअप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे पास काफी कोर्सेज हैं, हम नेल्स का कोर्स भी करवाते हैं, मेकअप का कोर्स भी करवाते हैं, स्किन का कोर्स भी करवाते हैं। तो आप जो भी प्रोफेशनल मेकअप्स हमसे करना चाहते हैं, प्रोफेशनल नेल आर्टिस्ट का कोर्स करना चाहते हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लोग नंबर ज़रूर मेंशन करेंगे, और हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है जो उसका भी हम लिंक उसमें डाल रहे हैं। तो आपने क्या करना है, हमें चाहे इंस्टा या नंबर पे व्हाट्सएप पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग अवर कोर्सेज।
अंडर आई शेडिंग, हम ज़्यादा डार्क नहीं मीडियम टोन में अंडर आई शेडिंग में जा रहे हैं। उसको अच्छे से फिर ब्लेंड करना है, तो जो उसकी एक तो स्टेबिलिटी बनी रहे, एक वो फैले ना, और प्लस उसका स्टे भी अच्छा है, तो उसको ब्लेंड आपको अच्छे से करना है। और जो ब्लेंडिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं, अगेन वो शेडोज़ यूज़ कर रही हूँ, पाउडर शेडोज ही यूज़ कर रही हूँ, उसको लेके जो प्रिसाइज सा ब्रश है उसके साथ उसको ब्लेंडिंग कर रही हूँ। नेक्स्ट अब लोअर शेडिंग हो चुकी है, उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे अनड्राई मस्कारा। अनड्राई मस्कारा यूज़ करने से जो लोअर लैशेज हैं वो इनहांस हो के दिखती हैं आपकी। उसके साथ ही थोड़ा सा मैंने लैशेज पे टच दे दिया, वो पाउडर लगाते हैं तो थोड़ा सा लैश पे चला जाता है। तो उसके लिए नेक्स्ट इज़ माय कंटोरिंग स्टेप। अब मैं फेस की कंटोरिंग कर रही हूँ, इनका जो थोड़ा सा साइड पार्ट्स आते हैं तो उस चीज़ को कंट्रोल के साथ हम थोड़ा कम करेंगे, जब फोटोज़ में उनकी जो फेस की वेथ है वो बहुत ज़्यादा विजिबल ना हो, तो हम इसको थोड़ी सी कटिंग दे रहे हैं। अच्छे से कंटूर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज ब्लशर। पाउडर ब्लशर यूज कर रहे हैं हम इसके लिए। जो ब्रश यूज कर रही हूँ दैट इज ओबेली, ये मुझे अच्छा लगता है ब्रश, काफी रीजनेबल है, बट ब्लशर एप्लीकेशन के लिए मुझे काफी अच्छा लगता है ब्रश। तो ब्लशर हम थोड़ा थोड़ा इसलिए लगा रहे हैं कि कई बार क्लाइंट की होता है कि मुझे थोड़ा सा इससे डार्क चाहिए कम, अगर शुरू में ही ज़्यादा डार्क लगा देंगे फिर उसको थोड़ा लाइटन करते रह जाएंगे, तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा कम लगा के ब्राइट को थोड़ा सा चेक करवा के कि इससे ज़्यादा कैरी कर सकते हैं, तो हम थोड़ा सा और ब्लश दे देते हैं, तो उससे क्या होता है पिंकी पिंकी, क्योंकि जो ब्लशर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में ना थोड़ा टाइम बाद। ब्लशर को मैं थोड़ा सा चीक्स पे भी दिया, हल्का सा नोज पे भी दिया, क्योंकि जब फेस पे थोड़ा थोड़ा पिंक टच आता है तो वो प्यारा लगता है। अब हमारा मेन रह गया है जिससे फेस एकदम से उठ के आता है, दैट इज अवर लिपस्टिक। लिपस्टिक से पहले मैंने फेस पे सेटिंग स्प्रे कर दिया। सेटिंग स्प्रे से क्या होगा, इनकी जो स्किन है वो काफ़ी एक तो हाइड्रेटेड लगेगी, मेकअप काफ़ी सेट हो जाता है इससे। एंड आफ्टर सेटिंग स्प्रे हम जो इनका फाइनल टच है लिप पर हाइलाइटर ये सब चीज़ें करेंगे। धीरे तक सेटिंग स्प्रे ड्राई हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है उनके स्किन पे, उतनी देर हम थोड़ा सा जो नेक बेस रह गया उसको कंप्लीट कर लेते हैं। आप और भी वीडियोस देखना चाहते हो, और भी वीडियोस अपनी चॉइस की हमारे चैनल पे देखना चाहते हो, तो डू फॉलो एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल, और इस पर जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ 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 प्लीज उसको दबाएँ, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जो हम डाटा डाल रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है, और आपको और क्या चीज़ें सीखनी है मेकअप में, कौन सी प्रॉब्लम आप फेस करते, वो सारी चीज़ें हम आपको गाइड करेंगे, तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं ज़रूर। मैं
Now I am using highlighter to highlight her face. तो शाइन हमें क्लाइंट से भी पूछनी होती है कि हम कितनी सी दें, तो ये क्लाइंट की डिमांड थी मैम जैसा मेकअप लुक आप चाहते हो वैसा आप मेकअप लुक कीजिए मेरे फेस पे। तो मुझे इनके फेस के लिए परफेक्ट लगा कि हम कुछ ऐसा लुक क्रिएट करें जो इनके आउटफिट है उसके अकॉर्डिंग। एंड ये इनके फेस पे काफ़ी उठ के आ रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है इनके फेस पे। हाइलाइटिंग जोन को हाईलाइट करने इसके लिए मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ फ्रॉम PAC। हमारी ब्राइड भी पूरी इंटरेस्टेड है आज की वीडियो के लिए, तो हमने इनसे पूछा था मैम आपका आज वीडियो शूट करें, तो यस शॉर्टली। तो जब ये पोस्ट होगी तो शी विल बी वेरी हैप्पी अपनी पूरी लुक देख के जो एक लाइव रिकॉर्डिंग में है। हम हाइलाइटिंग के बाद हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए आप हमेशा आउटलाइन ज़रूर करें, उससे क्या होता है जब आप लिप पर अप्लाई करते हैं तो उसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है, प्लस जो लिपस्टिक है वो उसका जो आउटर बॉर्डर बनता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। बस आपका आउटर बॉर्डर लिपस्टिक में कवर ज़रूर करना है, वो बाहर अलग से ना दिखे। पहले हम प्लान कर रहे थे ऐसा कुछ ब्राउनी न्यूड लगाएं, बट अब एक बार लिप लाइन के बाद देखते हैं हम कैसा शेड अप्लाई करें इनके फेस पे। प्रॉपर आउटलाइनिंग करने के बाद फिर हम लिपस्टिक को फिल करेंगे इसमें। लिपस्टिक के रिगार्डिंग भी अगर आपका कोई है क्वेश्चन कि लिपस्टिक की स्टे अच्छी नहीं रहती, कौन से लिपर्स लेने चाहिए, किस टाइप का लिपर कौन से स्किन पे अच्छा लगेगा, किस टाइप के लिप्स को कैसे दिखाना है, उसकी शेप चेंज करनी, तो वो उसके रिगार्डिंग भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लिपस्टिक फाइनल हम थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ, हमने थोड़ा सा न्यूड में हल्का सा पिंकिश हल्का सा टच दिया है और हम उस कलर का लिपर अप्लाई कर रहे हैं, तो जो इनकी पिंक आउटफिट को भी एक लुक देगा प्यारा सा, प्लस थोड़ा न्यूड से हम थोड़ा सा मीडियम में रहेंगे। इनकी नाइट की वेडिंग है तो नाइट में फुली न्यूड देने की जगह ये प्रेफर कि हम थोड़ा मीडियम टोन में रखें, तो भी मीडियम टोन से है कि थोड़ा फोटोग्राफी है जो वो उठ के आएगी काफ़ी। तो मेकअप हमारा ऑलमोस्ट डन होने वाला है। अगर आपको ड्यूरिंग पूरा प्रोसेस जो भी हमने किया है जो भी अप्लाई किया है, अगर किसी भी चीज़ की किसी भी रिगार्डिंग किसी भी स्टेप के रिगार्डिंग जो आपको नहीं क्लियर हुआ, अगर आपको उसके रिगार्डिंग हमसे पूछना है कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसका बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, तो जो आगे आने वाली वीडियोस सभी आपको ज़रूर शो हों और सबसे पहले आप उनको देख सकें। आगे हम काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोस जो आपको मेकअप में जो भी इस लाइन में है उनको हेल्प आउट करेगा उसके लिए, तो हम वो वीडियोस डालेंगे, तो इसीलिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेट कॉर्नर को अच्छे से फिल करना है, क्योंकि समटाइम क्या होता है जब कोई बोलता है या कुछ खा रहा होता है तो जो उसके इनर कॉर्नर हैं वो खाली दिखते हैं, तो लिपस्टिक लगाते टाइम आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप लिपस्टिक लगा रहे हो वो पूरा लिप्स कवर करें और उसके जो साइड इनर कॉर्नर्स होते हैं वो ज़रूर अच्छे से फिल करें। बस इनको नेचुरल लिप शेप चाहिए था तो हमने शेप नेचुरल रखा, कुछ पाउडर में नहीं लेके गए हम।
लिपस्टिक का प्रोसेस कंटिन्यू है। लिपस्टिक थोड़ा सा टाइम लेती है लगने में, क्योंकि लिपस्टिक एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पूरे फेस मेकअप के लुक को उठा देती है। थोड़ा सा बीच में मैंने लाइट टच दिया है कि वो लिप पर थोड़ा सा जो उसका कलर शेड है वो हल्का सा लाइट दिखे, इसलिए मैंने इनवर्ड हल्का सा लाइट कंसीलर ऐड करके उस टोन को थोड़ा सा लाइटर में कन्वर्ट किया। यू कैन से इट ओम्ब्रे आल्सो, बट इट्स नॉट अ फुल ओम्ब्रे, बट माइनर सा ओम्ब्रे का इफेक्ट दिया मैंने। तो फेस इनका ऑलमोस्ट डन है, इसके बाद अभी ये हेयर डो के लिए जाएंगे, इनका हेयर डो होके आएगा, देन हम इनकी जो न्यू लुक है पूरी फुल ब्राइडल लुक उसको हम देखेंगे। सो ये थोड़ा सा फाइनल टच दे रहे हैं हम। अरे मैं तो कितनी खतरनाक आ रही हूँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो रेडी होकर बनाऊंगी। इसलिए आज थोड़ा सा हैक्टिक डे था, तो इसलिए आई डिडंट गेट टाइम टू गेट रेडी। सो ब्राइट से ब्राइट थी, तो मैंने अभी जो अपनी मुझे था कि एक ब्राइट का मेकअप शूट कर लें। आज हमने जो एक ब्राइडल था उसका पूरा लुक किया, इनको जो बन दिया गया है फ्लोरल बन दिया गया है, फ्लोरल बन के साथ इनका देखिए आप पिंकी सा लहंगा है थोड़ा डार्क में, इन्होंने टेल वाला दुपट्टा रखा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है वो दुपट्टा। तो हेयर इज अवर ब्राइडल लुक, ये काफ़ी प्यारे लग रहे हैं ये फुल लुक में। इनको था मुझे सेंटर पार्टीशन में कोई स्टाइलिंग दीजिए कि जैसे बहुत फ्लैट स्टाइलिंग भी ना हो जाए और मेरा थोड़ा बाउंस मेंटेन रहे। तो शी इज़ लुकिंग वेरी प्रेटी लाइव, मुझे ये और प्रेटी लग रही हैं। तो अब थोड़ा सा हमने सोचा हम अपनी थोड़ी फ़ोटो क्रिएटिविटी कर ले, तो हम एक फ़ोटोग्राफर की तरह जैसे वो घूंघट उठवाते हैं हम लग के अपनी फ़ोटोग्राफी दिखाने। अरे पीछे ले जाओ और पीछे, ये यस ब्राइडल के कलीजे बहुत प्यारे हैं। अब ये दुपट्टा इनका पूरा हमने फाइनल टच देना है, तो अब ये हम थोड़ा सा आज रात है नाइट है तो थोड़ा सा हम सोच रहे थे नाइट की लुक देखिए उस तरफ कैसी आ रही है, पर थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, बट शी इज़ लुकिंग वेरी प्रेटी, शी इज़ वेरी हैप्पी ऑल्सो कि हमने उन्हें ये प्रेटी सा लुक दिया। ये देखिए आप बिना फिल्टर के, कोई भी हमने कोई फिल्टर नहीं अप्लाई किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।